अध्याय सात। ये मलकीसेदेक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब इब्राहिम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को इब्राहिम ने सब वस्तुओं का दसवां अंश भी दिया। ये पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है, जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली है, जिसके ना दिनों का आदि है और ना जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरा। अब इस पर ध्यान करो कि ये कैसा महान था जिसको कुलपति इब्राहिम ने अच्छे से अच्छे माल की लूट का दसवां अंश दिया। लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे इब्राहिम ही की देह से क्यों ना जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार दसवां अंश लें। पर इसने जो उनकी वंशावली में भी ना था इब्राहिम से दसवां अंश लिया और जिसे प्रतिज्ञाएं मिली थी उसे आशीष दी। इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। यहाँ तो मरणहार मनुष्य दसवां अंश लेते हैं, पर वहां वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वो जीवित है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो दसवां अंश लेता है इब्राहिम के द्वारा दसवां अंश दिया, क्योंकि जिस समय मलकीसेदेक ने उसके पिता से भेंट की उस समय ये अपने पिता की देह में था। तब यदि लेवी याजक पद के द्वारा सिद्धता मिल सकती है जिसके सहारे से लोगों को व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मलकीसेदेक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का ना कहलाए। क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है, क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती हैं कि वह दूसरे गोत्र का है जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की, तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ है और इस गोत्र के विषय में मूसा के याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की। और जब मलकीसेदेक के समान एक और ऐसा याजक उत्पन्न होने वाला था जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं पर अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हो, तो हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट हो गया कि तू मलकीसेदेक की रीति पर युगानुयुग याजक है। निदान पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं, कारण के मसीह की नियुक्ति बिना शपथ नहीं हुई। क्योंकि वे तो बिना शपथ याजक ठहराए गए, पर ये शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया जिसने उसके विषय में कहा कि प्रभु ने शपथ खाई और वो उससे फिर न पछताएगा कि तू युगानुयुग याजक है। सो यीशु एक उत्तम वाचा का जामिन ठहरा। वे तो बहुत से याजक बनते आए, इसका कारण ये था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी, पर ये युगानुयुग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। सो ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल, पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। उन महायाजकों की नाई उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने पाप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार निपटा दिया। व्यवस्था तो निर्बल मनुष्य को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई उस पुत्र को नियुक्त करता है जो युगानुयुग के लिए सिद्ध किया गया है।